यूएसए, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. वेलकम ऑल. माई सेल्फ तेजल दीवावाला एज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ इंडियन ब्यूटी इंस्टीट्यूट फ्रॉम वडोदरा गुजरात, इंडिया से हूं मैं. आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस को लेके एक इवेंट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. योग शक्ति प्रेजेंट हमारे ऑर्गेनाइजर मिस सेजल शाह विरमानी जी का तहे दिल से शुक्रिया. सेजल जी शुक्रिया. और सेजल जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वे बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और हमें उनके इवेंट से कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है. सो प्लीज सेजल जी को आप FB यूट्यूब चैनल उनकी इंस्टा पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और मैं इंडिया से राकेश शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. आज इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और आज ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं. सो वंस अगेन सेजल जी, राकेश जी, थैंक यू सो मच. आज का हमारा प्रोग्राम ब्यूटी एंड वेलनेस को लेके है. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कॉस्मेटोलॉजी क्या है. मे बी आप सबको पता ही होगा कॉस्मेटोलॉजी क्या है. कॉस्मेटोलॉजी है हेयर, स्किन और नेल को सुंदर बनाने की कला और कॉस्मेटिक की स्टडी को कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है. सो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्किन. स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा. स्किन केयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्किन का केयर करना इतना ही जरूरी है जितना हम लोग हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं. सो स्किन केयर भी आप किया कीजिए. आज हम यहाँ पे एक स्किन का एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको होम प्रोडक्ट को लेके. फ्रूट फेशियल है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्किन के लिए आप कुछ भी ट्रीटमेंट करें तो उससे पहले स्किन टाइप्स जानना जरूरी होता है. स्किन टाइप्स तो हम जैसे भी किसी को देखते हैं या फिर कोई एड देखते हैं और देख के हम लोग यूज करने का सोचते हैं. सो ऐसे मत यूज कीजिए. कोई भी प्रोडक्ट को अपनी स्किन पे बिना जाने मत यूज कीजिए. स्किन टाइप्स आप पहले पहचानिए कि आपकी स्किन टाइप्स कौन सी है. स्किन टाइप्स हमारी 5 टाइप्स की होती है. मैं आपको दिखाना चाहूंगी हर एक स्किन टाइप्स कैसे कैसी होती है. 5 टाइप्स स्किन के होते हैं. ये है कॉम्बिनेशन स्किन. इसमें हमारा टी जोन ऑयल रहता है और सी जोन ये ड्राइनेस होता है. तो इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहा जाता है. ये ड्राई स्किन है. ड्राई स्किन एकदम सूखी सूखी सी होती है. ड्राइनेस फील होता है हमारी स्किन पे. इसमें बहुत ही सीबम का लेवल होता ही नहीं है, बहुत लो होता है. तो ऐसी स्किन को केयर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसी स्किन को अगर हम केयर नहीं करते तो ये जल्दी रिंकल्स हमें दिखाई देते हैं. तो ड्राई स्किन को केयर बहुत ही जरूरी होती है. नेक्स्ट नॉर्मल स्किन है. ये नॉर्मल स्किन एकदम हेल्दी दिखती है, दिखने में सुंदर दिखती है और इस पे बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं होते तो इसे हम नॉर्मल स्किन कहते हैं. इसका पीएच बहुत ही मेंटेन होता है. ये ऑयली स्किन है. ऑयली स्किन पे सीबम पूरे फेस पे दिखता है. पूरा फेस हमारा ऑयली ऑयली दिखता है और पिंपल्स भी होते हैं हमें. तो ये ऑयली स्किन है. ये सेंसिटिव स्किन है. सेंसिटिव स्किन पे हम कुछ भी अप्लाई करते कुछ भी करते तो तुरंत हमें वो इफेक्ट करती है, रेडनेस आ जाता है. तो ये सेंसिटिव स्किन है. तो इस टाइप हमारे 5 टाइप्स होते हैं स्किन के. तो पहले आप अपनी स्किन को जानिए फिर उस पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए या फिर होम प्रोडक्ट भी आप अप्लाई कीजिए. स्किन अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. बिना जाने कभी भी स्किन पे कुछ भी मत यूज कीजिए. तो पहले स्किन टाइप अगर आपको अपनी स्किन कैसी है वो जानना है तो आप
रात में जब सो के अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग आप टिश्यू पेपर लीजिए, अपने फेस पे टिश्यू पेपर को घुमा के देखिए कहाँ पे ऑयल आता है, कहाँ पे ऑयल नहीं आता है। अगर फेस पे ऑयल नहीं आता है तो वो आपकी ड्राई स्किन हुई, अगर पूरे फेस पे ऑयल आता है तो वो आपकी ऑयली स्किन हुई, अगर टी जोन में ऑयल आता है, सी जोन आपका ड्राई रहता है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन हुई। इस तरीके से आप अपनी स्किन टाइप को जानिए, फिर कुछ भी प्रोडक्ट आप उस तरीके से अप्लाई कीजिए। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगी वो होम प्रोडक्ट होम इंग्रेडिएंट्स को लेके हमने वीडियो बनाया है और फ्रूट फेशियल है। सेजलबिन एनी डाउट हो तो प्लीज। फ्रूट फेशियल है, ये सारे फ्रूट्स हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग स्किन टाइप। ये हार्मोनाइजेशन कहा जाता है, इसमें थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच में रेपो क्रिएट करता है ये, और क्लाइंट को रिलैक्स फील होता है। ये सारे स्टेप्स होते हैं, फोरहेड पे प्रेशर पॉइंट है, स्मॉल सर्कल फॉर ईयर, बिहाइंड ईयर प्रेशर पॉइंट है, शोल्डर स्ट्रेचिंग। ये सारे स्टेप से क्लाइंट एकदम रिलैक्स फील करता है। इसके बाद हम वेट कॉटन से पूरे फेस को क्लीन करेंगे, फिर हम क्लाइंट की कौन सी स्किन है, सबसे पहले स्किन टाइप कौन सा है उनका वो देखेंगे। हमारे यहाँ जो क्लाइंट है उनकी स्किन नॉर्मल है, तो उस अकॉर्डिंग हम सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। सबसे पहले वेट कॉटन से फेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद हम क्लींजिंग करेंगे क्लींजर से। हमने कच्चा दूध रो मिल्क लिया है क्योंकि उनकी नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कच्चे दूध के साथ आप सोडा बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके ऑयली स्किन है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्किन है तो हमने रो मिल्क लिया है, सिर्फ कच्चा दूध। ये क्लींजर का काम कर रहा है, क्लींजिंग कर रहा है, फेस को पूरा क्लीन कर रहा है, जो भी डस्ट है पूरी वो उसको ओपन करके सारी डस्ट को बाहर निकालता है। इस तरीके से नेक एरिया से लेके पूरे फेस पे हम लोग सारे पूरे फेस पे रॉ मिल्क से स्मॉल सर्कल से फेस को क्लीन करेंगे। वापस मैं बताना चाहूंगी, अगर ऑयली स्किन है तो रो मिल्क के साथ हम सोडा बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल स्किन थी तो हमने सिर्फ रो मिल्क लिया है। उसके बाद आएगा टॉनिंग, टॉनिंग करेंगे हम। टॉनर हमने लिया है रोज वाटर, क्योंकि उनकी नॉर्मल स्किन है सो हमने रोज वाटर लिया है। अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप मिंट वाटर ले सकते हैं, तुलसी वाटर ले सकते हैं, या नीम वाटर भी ले सकते हैं। इनकी नॉर्मल स्किन है तो हमने सिर्फ रोज वाटर लिया है। उसके बाद आएगा स्क्रबिंग। स्क्रब ने हमने लिया है ओटमील के साथ पपाया जूस, क्योंकि उनकी नॉर्मल स्किन है। अगर हमारे ऑयली स्किन है तो हम ओटमील के साथ ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ओटमील के साथ टोमेटो जूस भी ले सकते हैं,
और अगर हमारे फेस पे दाग धब्बे हैं तो हम पोटेटो जूस के साथ ओटमील भी ले सकते हैं। स्क्रबिंग का काम कर रहा है, पूरे फेस पे हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम स्टीम देंगे। स्टीम की भी एक टेक्निक होती है, हम कुछ भी स्टीम ऐसे नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंग स्किन टाइप, हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही स्टीम लेनी है। अगर इनकी नॉर्मल स्किन है तो हम डिस्टेंस रखेंगे स्टीम का और फेस का, 10 से 12 इंच का, 10 टू 12 का डिस्टेंस रखेंगे और 5 टू 10 मिनट्स हम उनको स्टीम देंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो स्टीम और फेस के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो हम 10 इंच का रखेंगे और ऑयली स्किन में 10 टू 15 मिनट हम स्टीम देंगे। अगर ड्राई और मैच्योर स्किन है तो हम 15 इंच जितना डिस्टेंस रखेंगे और 3 टू 5 मिनट सिर्फ देंगे स्टीम। इनकी नॉर्मल स्किन है तो हम स्क्रबिंग करेंगे स्मॉल सर्कल से। उसके बाद पूरे फेस को ऐसे क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से, पूरे फेस को वेट कॉटन से हम क्लीन करेंगे स्क्रब के बाद। फिर हम कॉमेडोन्स को रिमूव करेंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, जो भी हमारे नोज एरिया पे, फोरहेड पे, चिन पे ज्यादातर रहते हैं, कॉमेडोन्स को हम रिमूव करेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। उसके बाद हम मसाज स्टेप करेंगे। इनकी नॉर्मल स्किन है तो हमने मसाज में पपाया जूस लिया है, साथ में आलमंड क्रीम ली है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ककुम्बर का जूस और साथ में ककुम्बर जेल भी ले सकते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो। अदरवाइज नॉर्मल स्किन है तो हमने पपाया जूस और आलमंड क्रीम ली है, या फिर बनाना पल्प के साथ आप हनी मिक्स करके भी आलमंड क्रीम ऐड कर सकते हैं। मसाज स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि थेरापिस्ट और क्लाइंट का टच छूटना नहीं चाहिए। मसाज स्टेप के दरमियान जो हमारा टच होता है वो पूरे मसाज स्टेप जब तक खत्म नहीं होते तब तक हमारा जो टचिंग होता है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। पहले हम नेक एरिया से पूरे मसाज स्टेप चालू करेंगे, अपवर्ड, साइडवर्ड, फिर जो लाइन हमारी जो होती है जो लाइन पे मसाज करेंगे, अपर लिप, प्रेसिंग पॉइंट, सर्कुलर स्ट्रोक, इस तरीके के बहुत सारे मसाज स्टेप हैं अलग अलग, वो हम करेंगे इस तरीके से। पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई करके वापस हम लिप्स एरिया पे आएंगे, क्रिस क्रॉस हाफ मून बनाएंगे इस तरीके से।
पूरे मसाज स्टेप में हमारा और क्लाइंट का वो जो टच है बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, वो ध्यान रखना है मसाज स्टेप में। ऐसे एक तरीके ऐसे हम पॉइंट्स करेंगे। फिर नोज एरिया पे स्मॉल सर्कल, सीजर स्ट्रोक, नोज एरिया को ऐसे मसाज देंगे। वापस मैं बताना चाहूंगी, अगर नॉर्मल स्किन है तो हमने आलमंड क्रीम के साथ पपाया जूस लिया है मसाज स्टेप में। आप बनाना है पल्प, हनी और आलमंड क्रीम या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयली स्किन है तो आप ककुम्बर जूस के साथ ककुम्बर जेल ले सकते हैं। आईज पे बिग सर्कल करेंगे इस तरीके से। फिर थर्ड फिंगर से हम मसाज करेंगे। थर्ड फिंगर का प्रेशर बहुत ही लो होता है तो आईज के लिए थर्ड फिंगर यूज करके हम मसाज करेंगे। आईब्रो, आईब्रो पे भी हम इस तरीके से मसाज करेंगे, आइनिंग करेंगे। ये सारे मसाज स्टेप है हल्के हाथों से। फिर फोरहेड, फिर चिक, पूरे फेस पे इस तरीके से आप मसाज करो। वेट कॉटन से फिर फेस को क्लीन करते। ये पूरे मसाज स्टेप में हमें टच नहीं छोड़ना है, ये पूरा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम पैक बनाएंगे। हमने पैक में लिया है पपाया जूस और उसके साथ कैलेमाइन लिया है। कैलेमाइन नॉर्मली ड्राई, सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन के लिए जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं और उसके साथ कैलेमाइन केओलिन लेंगे। अगर ऑयली स्किन है तो केओलिन के साथ फ्रूट कोई भी जूस ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्किन है, ड्राई, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए हमने लिया है पपाया जूस और कैलेमाइन। उसका पैक बना के हम ऐसे फेस पे अप्लाई करेंगे। घर पे इस तरीके से होम सारे प्रोडक्ट्स लेके आप फेशियल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हमने सारी प्रोडक्ट होम रिलेटेड ही ली है, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे। उसके बाद हम आईज पे कॉटन रखेंगे और जो हमने पैक बनाया है उसके ऊपर गौस रखेंगे इस तरीके से।
और फिर पूरे फेस को हम कॉटन स्ट्रिप से कवर करेंगे इस तरीके से हम कवर करेंगे कॉटन से इनकी नॉर्मल स्किन है तो हमने फ्रूट में पपाया लिया है पपाया पल्प को हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे हल्के हाथों से रखेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रखना है अगर ऑयली स्किन है तो आप ककुम्बर पल्प भी ले सकते हैं ककुम्बर पल्प को इस तरीके से ही रखना है आपको ये नॉर्मल स्किन है तो हमने पपाया का लिया है आइस पे हम ककुम्बर पल्प रखेंगे ककुम्बर बहुत ही ठंडक देता है तो आइस पे हम ककुम्बर पल्प रखेंगे इस तरीके से पूरे फेस को हमें कवर करना है और आईज पे हम ककुम्बर पल्प रखेंगे इस तरीके से हम अप्लाई करके इसे 10 टू 15 मिनट तक रहने देंगे 10 टू 15 मिनट तक पैक को ऐसे रहने देना है उसके बाद रिमूव करना है 10 टू 15 मिनट के बाद इस तरीके से हल्के हाथों से हम रिमूव करेंगे सारे पैक को फिर हल्के हाथों से हम रिमूव करेंगे पैक को ये पैक भी हमने घर पे ही बनाया है इस तरीके से आप भी होम प्रोडक्ट को लेके अपना फेशियल घर पे कर सकते हैं फेस को वेट कॉटन से पूरा क्लीन करेंगे
अच्छी तरीके से हमने पूरा पैक रिमूव किया है। पैक रिमूव करने के बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे एसपीएफ वाला। सो इस तरीके से होम प्रोडक्ट को लेके, होम इंग्रेडिएंट्स लेके हम बहुत ही अच्छा फेशियल घर पे कर सकते हैं। सो आज का हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप सेजल जी का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तेजल बेन, कैन यू हियर मी? थैंक यू ऑल ऑफ यू। तेजल बेन सुनाई दे रहा है? तेजल जी सुनाई दे रहा है सो मच। ऐसे ही हम नए नए कुछ ना कुछ होम प्रोडक्ट को लेके नए नए डेमो, नए नए वीडियोस हम आपके सामने लेके आएंगे सेजल जी के साथ। सो यहाँ पे हमारा ये इवेंट खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन राकेश जी और सेजल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।